नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार तैयार है, अब बस लोकार्पण का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी कल शुभ मुहूर्त पर बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम खुद गंगा तट से जल लेकर नए कॉरिडोर होते हुए बाबा का जलाभिषेक करेंगे। अविश्वसनीय, अकल्पनीय बाबा विश्वनाथ मंदिर की ऐसी भव्यता पहले देखी न होगी। सूर्य की रोशनी में बाबा का प्रांगण चमक रहा है। रात की सतरंगी रोशनी में बाबा का दरबार ऐसा लग रहा है मानो सारे तारे जमीन पर आकर जगमग कर रहे हों। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों को अपनी दिव्यता का एहसास कराने के लिए तैयार है। बस लोकार्पण का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो गया। कल प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ धाम के लिए कलेवर का लोकार्पण करेंगे। 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है जो दोपहर 1:37 से दोपहर 1:57 तक चलेगा। सब तैयारी हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, अपने को अनुग्रहित करेंगे। और पहले काशी में बहुत सकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, ये अलौकिक है। कल कितने बजे प्रधानमंत्री का मुहूर्त है, कुछ बताएंगे? तो 1 से 3 का कार्यक्रम मंदिर के अंदर में है, उस बीच में हम लोग पूजन भी करेंगे, इसका विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गंगा तट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चलकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। गर्भगृह में पूजन के वक्त पीएम मोदी, पुजारियों और न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। प्रधानमंत्री के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करेगा। बाबा की नगरी काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप उत्सव के इस माहौल को की अनुभूति करिए, उसे महसूस करिए। कुछ घंटों में यानी कि 13 तारीख को जब ये मंदिर काशी कॉरिडोर खुलेगा तो लोगों के उत्साह का क्या रूप होगा, ये आज से ही दिखने लगा है। हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरफ महिलाएं हैं, उनके भी नृत्य हैं और ये सब कुछ काशी मंदिर में भगवान जो विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में आप इन चीजों को देख सकते हैं। नव निर्मित बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। काशी नगरी 11 लाख दीपों से दमकेगी। इस दौरान 30 बड़े कार्यक्रम होंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए देश भर के 3000 गणमान्य शख्सियतों को न्योता दिया गया है। 500 साधु संतों के शिरकत करने की उम्मीद है। निमंत्रण पत्र में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें हैं। कार्ड में लिखे इतिहास में बताया गया है कि मुगल आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ को भारी नुकसान पहुंचाया। गुलामी के चिन्हों को मिटाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास और यही उनकी अदा प्रत्येक भारतवासी के दिलों पर राज करते हैं कि सिर्फ विकास ही नहीं, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इस दृष्टि से भी हम दुनिया के सामने गौरव का अनुभव कर सकें, हम सर उठा के जी सकें,
सिर्फ हमारे जीवन में रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है, सम्मान भी जीवन का हिस्सा है। यह धार्मिक सम्मान हो अथवा आर्थिक सम्मान हो, इन दृष्टियों से सोचने के कारण ही तो वो हमारे दिलों पे राज करते हैं। बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बीजेपी काशी के हर घर में बाबा का प्रसाद भेजने की व्यवस्था कर रही है। वाराणसी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा को लड्डू तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रसाद वितरण के लिए लगभग 25 लाख की संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रसाद को हर घर में पहुंचाएंगे। वाराणसी में 2 दिनों से 50 महिलाएं लगातार लड्डू बनाने में जुटी हैं। इसमें 7 लाख पैकेट जो है बनने का ऑर्डर है, जिसमें 1 लाख पैकेट बनाने का जो है मंदिर प्रशासन ने हमें आदेश दिया है। उसके लिए जो है हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटा काम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी माताएं, बहनें और भाई जितने भी लोग हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं। ऐतिहासिक मौके के लिए काशी में जश्न शुरू हो गया। लोकार्पण से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी सज धज कर तैयार है। काशी वासियों के लिए दिवाली की रात है। आज हर घर में दिए जलेंगे, हर घर जगमग करेगा, हर घर में जश्न मनेगा। रोशन जायसवाल, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। और मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे काशी से, उनका रुख करते हैं। विश्व की सांस्कृतिक नगरी बनारस अलग अलग रंगों में लिपटी हुई है और काशी अपने मंदिरों और घाटों के लिए कुमार जानी जाती है। अब ऐसे में ये जो दरबार बाबा विश्वनाथ का नया सजा है, इसके लोकार्पण का सब कुछ बेसब्री से इंतजार है काशी वासियों के लिए, ये कितना बड़ा है कुमार? मल्लिका, देखिए ये पूरी तरीके से काशी कॉरिडोर तैयार हो चुका है, लेकिन हम प्रांगण में मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये वो बाबा विश्वनाथ का दरबार है। बाबा विश्वनाथ का वो शिवलिंग है और ठीक उसके ऊपर वो पताका, स्वर्ण पताका, स्वर्ण शिखर, जिसके लोग दर्शन करेंगे दूर दूर से आकर के। इस वक्त भी भक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये कभी गलियों, तंग गलियों का इलाका हुआ करता था, और आज आप इसके चारों तरफ देखिए मेहराबनुमा, ये एक प्रांगण ऐसा बनकर तैयार है जो कि पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस वक्त की तैयारियां देखिए, चारों तरफ गेंदे के फूल से ये पूरा प्रांगण सजा हुआ है। और अगर आप, हम चारों तरफ घूम करके देखें, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो प्रांगण इस वक्त अद्भुत रूप में निखर करके सामने आया है। कोई भी हो, हर कोई आज इस काशी को, कम से कम बाबा विश्वनाथ के इस प्रांगण में पहुंचकर मंत्रमुग्ध है। हम तमाम लोग इसे जब देखते हैं तो पहले की काशी, पहले का बाबा विश्वनाथ का मंदिर और अब का मंदिर, बहुत अंतर है। हम आपको थोड़ी दूसरी तरफ लिए चलते हैं। ये प्रांगण था बाहर जहां कार्यक्रम होने हैं, हम उसकी तरफ आपको भी लिए चल रहे हैं और दिखाते हैं कि बाहर की भव्यता क्या है। दरअसल बाहर काशी का जो प्रांगण है, उसके बाहर ये एक चौक का इलाका बनाया गया है। प्रधानमंत्री यहीं पर लोकार्पण करेंगे, और अगर आप देखें तो बाहर की भी तैयारियां लगभग पूरी है। और अब सभी की निगाहें कल पर टिकी हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इस भव्य दरबार का लोकार्पण करेंगे, और आपकी नजरों से, आपके माध्यम से दर्शकों ने भी आज दर्शन कर लिए। शुक्रिया फिलहाल आपका कुमार। काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्धार हुआ। कायाकल्प होने के बाद काशी विश्वनाथ धाम का परिसर 5 लाख वर्ग फीट तक फैल गया। गंगा तट से बाबा विश्वनाथ गर्भगृह तक लंबा कॉरिडोर तैयार किया गया है, ताकि गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आ सके। बदल गया काशी विश्वनाथ मंदिर। 33 महीने में बाबा के पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया। अब बाबा विश्वनाथ मंदिर का विस्तार गंगा तट तक है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान या फिर आचमन की मान्यता है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान कर, गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे, और सब कुछ मंदिर के प्रांगण में ही होगा। बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये हमारे वाराणसी की विरासत है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है पूरी वाराणसी, और अभी इसका भव्य लोकार्पण होने वाला है कल। ऐसा स्वरूप देख के बड़ा ही हर्ष हो रहा है मन में। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा अभी आप सब लोग अभी हरे कृष्णा हरे रामा पर नृत्य करते हुए दिख रहे थे, वजह तो ये बड़ा ही हर्ष का अवसर है।
और भगवान शिव जी जो है वो वैष्णवानाम यथा शंभु है, तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए हम भगवान कृष्ण के नामों का उच्च उच्चारण करते हुए हम कीर्तन कर रहे थे। पहली बार बने विश्व मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इनके नाम मुख्य मार्ग के आधार पर रखे गए हैं। इन प्रवेश द्वार के नाम नए सिरे से तय किए जाने का भी प्रस्ताव है। काशते प्रकाशते इति काशी, काशी का वास्तविक नाम प्रकाश है। जहाँ ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहाँ प्रकाश का उसका हम लोग स्वरूप मानते हैं। ज्ञान से प्रकाशित हो, आध्यात्म से प्रकाशित हो, विद्या से प्रकाशित हो, उसको काशी कहते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक स्वरूप वर्तमान में निखर के आ रहा है। पहले गलियों में एकदम धक्का मुक्की करके भगवान के भक्त आते थे, अब प्राचीन स्वरूप यही है। आनंद बन जहाँ आके भगवान के भक्तों को आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता हो, उसी को तो आनंद बन कहते हैं। तो वैसे तो सामान्य पहले तो ऐसे था, लेकिन वर्तमान को देखते हुए हम लोग ये मान सकते हैं कि बहुत ही उत्तम सर्वोत्कृष्ट आनंद बन बाबा विश्वनाथ जी का है। ये बाबा विश्वनाथ जी का धाम बहुत पवित्र और निष्ठा के साथ, पवित्र मन के साथ बनाया हुआ ये विश्वनाथ धाम बहुत उत्तम है। पहले विश्वनाथ धाम करीब 3500 वर्ग फीट में था, लेकिन अब नया परिसर 5,00,000 वर्ग फीट में फैला है। 800 करोड़ के बजट से तैयार भव्य नए काशी विश्वनाथ धाम में भव्य 27 मंदिरों के साथ साथ 24 विशेष भवन हैं, जिनमें विश्राम गृह, म्यूजियम, सिक्योरिटी हॉल और पुस्तकालय भी हैं। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे इसको सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम है जो 13 तारीख को यानी कल लोकार्पित होने जा रहा है। और हम सबका सौभाग्य है इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब सौभाग्य साक्षी बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो निर्माण हुआ है, इसको ही बड़े मनोयोग से, बड़ी तल्लीनता से और पूरी निष्ठा के साथ बनाया गया है। यह आश्चर्य की बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतने अल्प समय में इतना भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने जा रहा है। अब धाम के मंदिर परिसर में आने पर श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ उनकी महिमा भी जान पाएंगे। धर्म शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में पवित्र नगरी काशी का व्याख्यान है। इनका अनुवाद अब आप हिंदी में पढ़ पाएंगे। बाबा विश्वनाथ धाम में संगमरमर के पत्थरों पर इन्हें उकेरी गई है। नए परिसर में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर मकराना और चुनार के लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ 7 विशेष पत्थरों से तैयार हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्धार हुआ। पहली बार 436 साल पहले बनारस के व्यापारी रघुनाथ पंडित ने मंदिर का कायाकल्प किया था। इसके बाद 1777 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को नया रूप दिया। तीसरी बार 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास किया और अब जाकर उसका लोकार्पण होने जा रहा है। रोशन जायसवाल, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। और इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन के मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का रिकॉर्डेड संदेश सुनाया गया। ये संदेश हेलीकॉप्टर हादसे से पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने देशवासियों से इस जश्न का हिस्सा बनने का आह्वान किया था। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद।